अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आज मैं तौलिया बनाने लगी थी तो मैंने कहा चलिए ये भी आपको अपनी डेली रूटीन में बता दूं। तो तौलिया लिए मैंने, कुछ ये छील रखी थी, कुछ छील ली है। ये मैंने 3 प्याज लिए हैं, इसमें से आधा जो है ना पीस अदरक का वो डाल दें, वो मैं पीस के डालूँगी। तौरी डंडा जो है ना उसमें कुट लूँगी। और ये लहसुन रखे हैं, इसमें से 8-10 जो है लहसुन के डाल दूंगी। दो टमाटर हैं, 4-5 हरी मिर्चें डालनी है बीच में। और इन सारों को काट के तब सारों को मिक्स करके तो फिर ले रखती हूँ। तो फिर आपको मिलती हूँ, दिखाती हूँ सिर्फ सारा कुछ काट के तैयार हो जाएगा और उसके बाद मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी तो फिर आप देखें। और मैंने ऐसे ही जल्दी से वीडियो शुरू कर दी, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस काम लगी हुई है आज के लड़के। चलिए आपसे भी शेयर करती हूँ। आप लोग आज के आप खा रहे हैं ज़रूर बताएं कमेंट में। दूसरा ये देखिए, आम 2-4 लटक रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी बाहर की तरफ से। तो अब उनको हमने इसके ऊपर ही पकने देना है, दरख्तों के ऊपर ही। तो ठीक है, चले मैं सब्जी बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ, सही है। ये देखें, अब मैं आ गई हूँ, मैंने सारा कुछ काट कूट के इकट्ठा कर लिया है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसमें प्याज, लहसुन, अदरक तो पेस्ट और 2 टमाटर बड़े बड़े जो मैंने आपको दिखाए थे वो डाले हैं। अब मैं इसमें ना मसाले भी सारे डाल के, और ये तोरियां जो पास मेरे पड़ी हुई हैं इनको मैंने धोया है अच्छी तरह। फिर अब मैं इनको ना बारीक बारीक काटने लगी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं छिलका रख ली हो, ये देखिए मान लो 2 टोकरियाँ में डाल दी मैंने। तो इनको ऐसे ही बारीक बारीक काट के ना सारा कुछ मिक्स करके रख दी। तो ये बहुत ज़्यादा पानी जो अपना छोड़ती हैं, तो उसमें पानी में सारा कुछ गर्म हो जाएगा तो मेरी हांडी तैयार हो जाएगी। आप चाहे मोटी मोटी काटें, चाहे बारीक बारीक काटें, जैसे मर्जी काटें। इसके बाद इसमें मैं ऑयल डाल के और मसाले डाल के ऊपर रख दूँगी। तो देखें, ये जो तोरियाँ ना, मैं सोच रही थी एक भिंडी है, एक तोरी है, एक कद्दू है, तो ये सारे जो है ना आपस में लगता है रिश्तेदार हैं। अब तोरियों को मेरे ख्याल हम भिंडियों की अम्मी कहेंगे, और कद्दूओं को इन सारों का बाप अब्बा कहेंगे, ठीक है ना, सही है। ये सारी एक ही फैमिली से ताल्लुक रखती है ना, भिंडी, तोरी, कद्दू, टिंडे। टिंडे जो है वो इनके बेटे हैं छोटे छोटे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी पसंद आएगी वीडियो, और आप भी ज़रा थोड़ा सा हंसेंगे मेरी बात में सुन के। मैं खुद सोच सोच के हंसती रहती। तो आप बताएं मौसम कैसा है आपकी तरफ? लाहौर में तो अच्छा है मौसम, अपने पंखा मान के किचन वाला। तो मैंने कहा वो वीडियो ज़रा साफ सुथरी आवाज़ आ जाएगी, तो बस एक तरह वो देख, दूध उबला हुआ, एक तरह दलिया ठंडा करना रखा हुआ है। और यहाँ पे आज मैंने दही भी घर में ही बनाती हूँ दही। तो ये देखें, दही भी मेरी बड़ी अच्छी जमती है, ये देखें दूध अच्छा हो तो दही भी अच्छी जमती है, ये देखें। अब इसको मैं ना रख लूँगी फ्रिज में जाके, तो और ज़्यादा जम जाएगी। तो ये मैं रखती हूँ, चले मैं सारी तोरियाँ काट के ना ऊपर चूल्हे कर रखूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करें, मैं अभी आई। ये देखें, अब मैं आग जलाने लगी हूँ। तो ये रख दी है, इसके अंदर सारा कुछ, ये देखें मसाले वगैरह ऑयल डाल दिया मैंने, ठीक है। डाल रहे हैं जी, मैं अब इसको ना दम दे दूंगी
ऊपर ढक्कन दे दूंगी और फिर हल्दी अपने तोरियां जो पत्ता बहुत सारा पानी छोड़ते हैं, बीच में प्याज लहसुन अदरक सारा कुछ है मिल मिला के ना ये सही हो जाएंगे। अब मैं इसको ढक देती हूँ, ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगी थोड़ी देर बाद। ये देखें मैंने ना हांडी को भून भून के तैयार कर लिया, देखें अब इसके ऊपर ऑयल भी आ रहा है, तो अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाल के और ढक्कन दे दूँगी। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। ये देखें कि तोरियाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है, तो उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगी। चलें फिर इसके साथ इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, और जो नए चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं वो भी, उनके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, सबके लिए बहुत दुआएँ हैं। हमेशा आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।